हाय एवरीवन, ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग पढ़ रहे थे क्यूनिंग थ्योरी। इससे रिलेटेड जो है ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो, कैंडल्स नोटेशन की वीडियो जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे MM1 इन्फिनिटी FCFS से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 1 को इसे ठीक पिछले की वीडियो में हमने देखा था और उसमें हम लोगों ने इस मॉडल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसको देखा था। एक बार क्विकली मैं फिर से दिखा देती हूँ जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये सारे फार्मूलाज थे हमारे। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों को ये वाला सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो का जो नोट्स है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सो ये फार्मूलाज को याद रखना है, ये फार्मूला यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जो चीज़ पूछा जाएगा उस रिलेटेड हम लोग यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, इसको सॉल्व करेंगे। सो गाइस, शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को एक लाइक कर दे। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन है, अराइवल्स एट अ टेलीफोन बूथ आर कंसिडर्ड टू बी पॉइजन। अब हम लोगों को ना क्वेश्चन देख करके ये समझना होता है कि ये क्वेश्चन कौन से मॉडल से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला नहीं जाता कि ये मॉडल 1 है या बर्थ एंड डेट मॉडल है। अच्छा, इस मॉडल को जो है बर्थ एंड डेट मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि ये जो ए है ये पॉइजन है, इसका मतलब जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो होगा एम होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये MM और ये FCFS जो है ना मोस्टली कॉमन ही होते हैं। आपको 90% जो क्वेश्चन में है ये जो चीज़ है जो ये कॉमन ही मिलेगी। ऐसा बहुत ही कम केस होता है जहाँ पे ये वाला जो चीज़ है FCFS को LISRTO कर दिया या फिर प्रायोरिटी कर दिया, ऐसा बहुत कम होता है। FCFS ही दिया जाता है और यहाँ पे भी MM ही होता है। जो मेन चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन को देख के समझना है वो है ये सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो खैर, यहाँ पे तो साफ साफ बोल दिया है कि पॉइजन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो एम यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी एम यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एवरेज टाइम ऑफ 10 मिनट्स। अच्छा, इसको बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि कौन से मॉडल से रिलेटेड है, वो कैसे पता करना है। ठीक है, बिटवीन वन अराइवल एंड द नेक्स्ट अराइवल। ठीक है, लेंथ ऑफ द फोन सेल। अब यहाँ पे बोला है अराइवल एट अ टेलीफोन बूथ, टेलीफोन बूथ एट अ टेलीफोन बूथ, मतलब ये जो यहाँ पे है ना एक टेलीफोन बूथ है, मतलब जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो एक है, टेलीफोन बूथ है और इसमें जो है कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। तो टेलीफोन बूथ जो है उसमें जो टेलीफोन है तो एक टेलीफोन बूथ में एक ही टेलीफोन होता है, ठीक है, दूसरे टेलीफोन बूथ में दूसरा होता है। तो यहाँ पे जो हमें क्या बोला है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो वन है, इसका मतलब ये जो है ये वन है। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पे वन बोल दिया है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ऐसा कुछ लिमिट लगाया है, मुझे हमें ये चेक करना है कि कस्टमर की कोई लिमिट लगाई है क्या कि इस टेलीफोन बूथ में एक दिन में 100 कस्टमर या 200 ही कस्टमर आ सकते हैं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी है या फिर इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये वैसे ये टेलीफोन बूथ का एग्जाम्पल है तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें जो है देखना होगा। लेंथ दे दिया है यहाँ पे, इज अज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियली। अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ है फोन कॉल की वो भी जो है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये जो बी की वैल्यू है ये भी बोला जा रहा है कि एम है। ठीक है, विथ मीन 3 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे जो है कस्टमर का कुछ भी लिमिट फिक्स नहीं किया गया और टेलीफोन बूथ भी जो है ए बोला है, ए टेलीफोन बूथ बोला है। सो ये वन होगा और ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमें मॉडल्स को समझना है। अगर हमें कुछ लिमिट दे दिया रहे तो इसका मतलब यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे एस होगा, इस तरीके से हमें समझना होता है। ठीक है, तब समझ में आता है कि कौन से मॉडल से ये वाले जो चीज़ है काफी सारे लोगों को कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमें पता है कि हमें जो है मीन और मीन अराइवल रेट और मीन सर्विस रेट निकालना होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे विथ एन एवरेज टाइम ऑफ 10 मिनट्स, यहाँ पे जो है अराइवल जो हो रही है टेलीफोन बूथ में जो है कस्टमर्स की जो अराइवल हो रही है वो हो रही है एवरेज टाइम 10 मिनट्स। सो यहाँ पे जो हमारे लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी, अब देखिए लैम्डा क्या होता है, रेट एट विच, उस रेट पे जो है रेट एट विच कस्टमर जो है आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ अराइवल पर यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है वन कस्टमर आ रहा है हर 10 मिनट्स पे, तो लैम्डा जो है 10 मिनट्स नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 10 दिया है तो 10 लिखना है, लैम्डा होता है रेट यानी कि कितने कस्टमर उस टाइम पे आ रहे हैं, एक मिनट पे कितने कस्टमर आ रहे हैं। तो कितने कस्टमर आ रहे हैं, वन कस्टमर आ रहे हैं, कितने मिनट पे आ रहे हैं, हर 10 मिनट्स पे आ रहे हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 1/10 होगा। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से म्यू की वैल्यू भी देखनी है हमें। यहाँ पे लिखा है
ये लेंथ ऑफ अ फोन कॉल, मतलब जो कस्टमर फोन कॉल पे है, मतलब जो अंदर चला गया, टेलीफोन बूथ के अंदर चला गया और जो कॉल पे बिजी है, इसका मतलब जिसको सर्विस मिल रहा है वो कस्टमर, इज एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली, ठीक है, विथ अ मीन 3 मिनट. अब यहाँ पे जो है मीन क्या है, मीन सर्विस रेट बोल रहा है कि उसको जो सर्विस मिल रही है वो जो है 3 मिनट बिजी रहता है, ठीक है. 3 मिनट जो है वो कॉल पे जो है, कॉल की जो है लेंथ है, कॉल की लेंथ से मतलब है कि उसको उतना 3 मिनट तक सर्विस मिल रहा है. तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, 3 नहीं होगी, 1/3 होगी. इसका मतलब वो एक कस्टमर जो है कितने टाइम तक बिजी है कॉल पे, 3 मिनट तक. सो म्यू हो जाएगा 1/3. इस तरीके से आप लोगों को देख के समझना होगा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ अ क्यू डेट फॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब एवरेज लेंथ ऑफ अ क्यू बोला है, सो एवरेज लेंथ ऑफ क्यू जो है हम लोगों ने पहले पढ़ा है अपना फॉर्मूला कि एक्सपेक्टेड लेंथ, एक्सपेक्टेड या फिर एवरेज एक ही होता है. सो एक्सपेक्टेड या एवरेज लेंथ ऑफ अ नॉन एम्प्टी क्यू, क्यू जो रहेगा वो नॉन एम्प्टी रहेगा. अगर वो एम्प्टी है तो इसका मतलब क्यू की लेंथ जो है वो जीरो है, ठीक है. सो एक्सपेक्टेड लेंथ जो है नॉन एम्प्टी क्यू का, इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है. अब इसको यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला था, एवरेज, तो एवरेज ही लिखेंगे, एवरेज. लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, ठीक है. ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. अब इसमें जो है हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, म्यू यानी कि 1/3 डिवाइडेड बाई, फिर से म्यू है यानी कि 1/3 माइनस लेमडा है 1/10, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे इसका, सो 3 × 10 और 10 − 3 करेंगे सो हो जाएगा 7. ये 3 से 3 कैंसिल होगा यानी कि 7/10 यानी कि 10/7 यानी कि ये लिख देती हूँ 1.43, सॉरी 1.43, ठीक है. सो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखिए लेंथ यहाँ पे क्या है, एवरेज लेंथ ऑफ द नॉन एम्प्टी क्यू, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ पे ना ध्यान रखना है, मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखना है, मीटर सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, यहाँ पे हमारा चल क्या रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं और टेलीफोन बूथ के सामने क्यू बना रहे हैं. अगर एक कस्टमर जो है अंदर है और वो टेलीफोन के साथ बिजी है, सो उसके बाहर जो है कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, लोगों की लाइन लगी हुई है. तो हम क्या निकाले हैं, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू. सो वो जो क्यू बनाया है ना टेलीफोन बूथ के बाहर, लोगों ने जो क्यू बनाया उसका लेंथ निकाले, एवरेज लेंथ, क्योंकि हम लोग जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना है. सो जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है वो एक्सपेक्टेड होती है, एवरेज निकाला जाता है हमारा, प्रोबेबिलिटी में निकालते हैं हम लोग क्यूनिंग मॉडल में. सो एवरेज जो लेंथ होगी उस क्यू की, अगर हमारा लैम्डा 1/10 और म्यू 1/3 रहा अगर इस केस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज जो लेंथ होगा वो होगा 1.3. सो वो जो कस्टमर की जो लेंथ है 1.3, तो ये इसकी इसकी ये जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, 1.43 पर्सन. हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है. तो ध्यान से, मतलब जिस तरीके से अगर जो अगर यहाँ पे जो है कस्टमर और टेलीफोन का एग्जांपल है, तो इसकी यूनिट हो गई पर्सन, किसी जगह पे मीटर भी हो सकती है. सो ये चीज को जो है ध्यान रखना है. दूसरा जो क्वेश्चन है हमें ये बोला है कि द टेलीफोन डिपार्टमेंट विल इंस्टॉल अ सेकेंड बूथ. अब जो टेलीफोन का डिपार्टमेंट है, अब उसने वो सेकेंड बूथ बना दिया. इसका मतलब क्या है कि पहले एक सर्विस प्रोवाइडर था, पहले एक ही बूथ था, अब दो बूथ लगा दिया, मतलब अब दो सर्विस प्रोवाइडर है. When convinced that an arrival would have to wait at least 3 minutes for the phone. अब यहाँ पे जो है अराइवल जो है वो वेट करेगा एट लीस्ट 3 मिनट्स फॉर द फोन. बाई हाउ मच टाइम मस्ट द फ्लो ऑफ द अराइवल बी इंक्रीज. अब यहाँ पे बोल रहा है कि पहले वाले से कितना जो है वो अराइवल जो है इंक्रीज होगा इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द सेकेंड बूथ. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया. अब क्या है, एक बूथ नहीं है, अब दूसरा बूथ लगा दिया और बोला जा रहा है कि अगर उसकी जो है वेटिंग अराइवल टाइम जो है वेट करने का जो है एटलीस्ट 3 मिनट रहे, जो है उसकी अराइवल वुड हैव टू वेट जो है वो 3 मिनट रहे, तो वो कितना जो है उसकी अराइवल जो है इंक्रीज होगी, कितने टाइम से इंक्रीज होगी, ये पूछा है.
सो ये हमारा हुआ सॉल्यूशन नंबर वन। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर टू निकालते हैं। सो सॉल्यूशन नंबर टू के लिए हमें यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू क्यू देखना होगा, वेटिंग टाइम इन क्यू। डब्ल्यू क्यू हम जानते हैं, डब्ल्यू क्यू मतलब वेटिंग टाइम इन क्यू। अब यहाँ पे वही बोल रहा है कि अराइवल हैव टू वेट, कि अराइवल हैव टू वेट मतलब सिस्टम की वेट नहीं, जो क्यू क्यू में जो है, जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी जो वेट है वो एटलीस्ट 3 मिनट्स, मतलब डब्ल्यू क्यू इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि हाउ मच टाइम, अब यहाँ पे जो है, हाउ मच टाइम मस्ट द फ्लो ऑफ द अराइवल बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द सेकेंड बूथ। ठीक है, तो म्यू जो है ये तो सेम ही रहेगा, जो उसको सर्विस मिल रही है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है लैम्डा हमें यहाँ पे नहीं पता है, जो सेकेंड बूथ जो है उसकी जो है लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने टाइम से जो है अराइवल इंक्रीज होगा, तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि कितना अराइवल हुआ, उसके बाद वो कितना इंक्रीज हुआ वो निकालेंगे। सो लैम्डा को जो है यहाँ पे हम लोग लैम्डा डैश मान लेते हैं। ठीक है, लैम्डा को लैम्डा डैश मान लिया। डब्ल्यू क्यू 3 है और म्यू की वैल्यू तो यहाँ पे चेंज हुई नहीं है, 1/3 पहले थी, अभी भी 1/3 है। अब डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है, डब्ल्यू क्यू इक्वल टू होता है लैम्डा बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, ये पहले हम लोग देख चुके हैं। सो हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये है 3 इक्वल्स टू लैम्डा की जगह पे लैम्डा डैश डिवाइडेड बाई म्यू की जगह पे 1/3 इंटू 1/3 माइनस लैम्डा की जगह पे लैम्डा डैश। ठीक है, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3 माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू ये वाला लैम्डा डैश। ठीक है, तो अब यहाँ लिखती हूँ 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा डैश, यानी कि लैम्डा डैश इक्वल टू होगा 1/6, 2 × 3 = 6 होगा, यानी कि 0.16। सो ये लैम्डा डैश की वैल्यू जो है ये भी हमें पता चल गई, 0.16। अब हमें बोला है कि वो कितना से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब कितना से इंक्रीज हो रहा है वो निकालना है, तो यहाँ लिख देती हूँ हेंस। कितना से इंक्रीज़ हुआ, ये है 0.16 माइनस पहले लैम्डा की वैल्यू कितनी थी हमारे, 1/10। 1/10 का मतलब हुआ 0.10, सो 0.10 सॉरी 0। ठीक है, अब इन दोनों को जो है वो माइनस करेंगे, आएगा 0.06 अराइवल पर मिनट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है एस्टीमेट द फ्रैक्शन ऑफ अ डे डैट फोन विल बी इन यूज। ओके, सो द फ्रैक्शन ऑफ अ डे द फोन विल बी इन बिजी, ये जो है ये इक्वल टू होता है ट्रैफिक इंटेंसिटी का, मतलब जो है फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम मशीन इज बिजी, मशीन यानी कि जो सर्विस फैसिलिटी है वो जो बिजी होता है उसका बिजी होने का जो फ्रैक्शन होता है उसी को बोलता है ट्रैफिक इंटेंसिटी। और ट्रैफिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, ट्रैफिक इंटेंसिटी होता है रो और इसको ये होता है लैम्डा बाई म्यू। सो ये जो है ये सिंपल है, ये हो जाएगा रो इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। अब लैम्डा बाई म्यू क्या होगा हमारा, लैम्डा हमारे पास 1/10, लैम्डा 1/10, म्यू 1/3, सो 1/10 और सो ये हो जाएगा 0.3, यानी कि मैं पूरा लिख देती हूँ 1/10 डिवाइडेड बाई 1/3, सो हो जाएगा ये 3/10 यानी कि 0.3। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। लास्ट है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो है पूछा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम जो होता है वो नथिंग बट ls होता है। ls मतलब लेंथ ऑफ द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट, यूनिट को यहाँ पे वही बोला है कि कितने जो है लोग हैं, कितने लोग जो है टेलीफोन बूथ के सामने है पूरे सिस्टम में, सो उसी को बोलते हैं एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम, यानी कि ls। और ls का फॉर्मूला है हमारे पास लेमडा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
आप लोग बैकग्राउंड की जो नॉइज है उसको इग्नोर कर सकते हैं. सो एल एस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लैमडा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैमडा. ठीक है, सो लैमडा इक्वल टू है हमारे पास 1/10, 1/10 म्यू, म्यू इक्वल टू है 1/3. ठीक है, सो 1/10 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 1/10. ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 1/10 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये होगा 10 इंटू 3 और ये जो है 10 यहाँ पे आएगा 7. सो 10 से 10 कैंसिल हुआ, ये होगा 3/7. 3/7 मीन्स 0.43, 0.43 कस्टमर या फिर पर्सन. ठीक है, ये भी क्या है, एवरेज नंबर ऑफ लेंथ है, यानी कि यहाँ पे भी जो है इसकी यूनिट हो जाएगी पर्सन. सो ये 4 जो है जो हमारे पास ये था. अगर इसी तरीके से अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन में जो है अगर आपने लैम्डा म्यू निकाल लिया, तो बाकी सारे जो फॉर्मूलाज जो हम लोग पहले पढ़े थे, ये एल एस, एल क्यू, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू एस, ये सारी चीज़ें भी अगर यहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं. सो गाइस, आज की वीडियो में हमने जो ये देखा है, क्वेश्चन को सॉल्व किया. इसकी जो पीडीएफ की लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख लेना और जो है देखने के बाद खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे, इसी मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. ओके, सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.